नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 16 अगस्त 2022 दिन मंगलवार के दैनिक राशिफल की। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि से। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस समय बनाए रखना है। धन के नुकसान से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पैसे की दिक्कतें इस समय हो सकती हैं। और जहां तक संभव हो अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, वरना रिश्तों में आज के दिन आपको दिक्कत हो सकती है। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। वृषभ राशि, किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगता है आराम की मुद्रा में, आराम के मूड में रहेंगे। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। मिथुन राशि, परिवार में आपके प्रसन्नता आती दिखाई दे रही है और इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। रिश्तों को लेकर जो दिक्कतें थीं, रिश्तों को लेकर जो समस्याएं थीं, वो समस्याएं भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। कर्क राशि, पारिवारिक संबंध पहले की तुलना में आपके बेहतर होंगे। अगर आज कोशिश करेंगे तो आपके महत्वपूर्ण काम भी आसानी से बनेंगे। किसी मित्र का सहयोग इस समय में आपको प्राप्त होगा और किसी मित्र का सहयोग इस समय में आपको मिल सकता है। एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान निश्चित रूप से बनाए रखिए। सेहत में लापरवाही मत करिए। धन के नुकसान से भी इस समय आपको बचना चाहिए। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आज के लिए आपकी दिख रही है। किसी निर्धन को अगर थोड़े से गुड़ का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके लिए आज का दिन और भी शुभ होगा। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके प्रयासों से पूरे होंगे। करियर में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन काम आपका बहुत ज्यादा है, काम की अधिकता रहेगी, जिस वजह से आपको परेशानी थोड़ी सी हो सकती है। हनुमान जी की पूजा करें, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़ लें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं और इस समय आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी निश्चित रूप से दूर होंगी। अगर खाने पीने की वस्तु का आप दान कर दें किसी गरीब आदमी को तो आपका दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि, खान पान पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें लापरवाही मत करिए। हड्डियों की समस्या से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय बेवजह की चिंता आपको अपने परिवार को लेकर के हो सकती है, थोड़ा सा इंतजार करें, समय ठीक आने वाला है। किसी निर्धन को अगर गुड़ का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, आज सेहत में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं।
हालांकि देखिए करियर में आराम नहीं है, करियर में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसी संभावना भी दिख रही है। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ की बहुत अच्छी स्थितियां हैं इस समय और शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में इस समय आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज के दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मानसिक तनाव निश्चित रूप से कम होगा। एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो रहा 12 राशियों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज शाम को हनुमान जी की थोड़ी सी पूजा आपको करनी है, सूर्यास्त के बाद अगर करें तो बहुत अच्छा होगा। शाम के समय में 3 बार हनुमान जी के सामने बैठकर बैक टू बैक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शिक्षा और करियर संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। ये आज के दिन संध्या काल में अगर उपाय करेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा। तो आपके लिए आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।